हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पीएचपी। पीएचपी हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज बेसिकली अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हम यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए, और आज के टाइम में ये बहुत फेमस लैंग्वेज है। तो जो हमारा पीएचपी का सिलेबस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज योर अबाउट HTML5 एंड CSS, सेकेंड इज अबाउट PHP एंड थर्ड इज अबाउट MySQL सर्वर। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट HTML। HTML5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो HTML जो है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है बहुत लार्ज टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज जो कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है, उसको फॉर्मेट करती है। ठीक है, कंटेंट कौन सा जो हम वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक HTML जो है हमारी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML जो है हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या करती है, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का एक स्ट्रक्चर ये हमें बताती है, दिखाती है। इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML बेसिकली जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, उनको हम टैग्स भी कह देते हैं, एलिमेंट्स भी कह देते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या करते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि हमें कैसे वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करना है। HTML एलिमेंट्स लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक। इस तरह के सारे कंटेंट को से आपका जो HTML एलिमेंट उन कंटेंट को फॉर्मेट करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है और उसके वेब पेज पे शो करती है। तो जो HTML है, इट इज अ बेसिक लैंग्वेज इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन अ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब वो वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जो जो अपने आप चेंज नहीं होते, उसको हमें ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो बट अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो आप कोडिंग इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे PHP में। यू हैव टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML। अब हम एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। HTML5 जो है हमारा, उसमें हमें ये टैग ऐड हुआ है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। और HTML ये हमें बताता है कि किस तरह का हमारा जो है HTML5 का ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इट डिक्लेयर HTML डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। सेकेंड इज योर HTML टैग, इट इज द रूट टैग, रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। तो जब भी आपने HTML की कोडिंग शुरू करनी है, HTML का आपने कोड लिखना है, तो हमेशा हम इस टैग से शुरू करेंगे। उसके बाद आपका आता है HTML के बाद हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट में मेटा इंफॉर्मेशन होती है HTML पेज के बारे में। इसके अंदर वाला कंटेंट जो हेड हेड होता है आपका, ये सिर्फ मेटा इंफॉर्मेशन लेता है, वो कहीं डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज पे। इसमें हम दूसरे टैग को एम्बेड कर सकते हैं, टाइटल। टाइटल शोज यू द टाइटल ऑफ द पेज। फॉर एग्जांपल, हमने ये वेबसाइट खोली हुई है W3 Schools की, इसका टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML। दिस इज योर टाइटल, पेज टाइटल। ये है पोस्ट अटेंडिंग जूम, दिस इज ऑल्सो अ टाइटल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हेड एलिमेंट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया,
यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमारा जो सेकंड थर्ड एलिमेंट है जो इसमें यूज होता है दैट इज बॉडी। बॉडी इज द एलिमेंट जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। सारा का सारा कंटेंट जो हम पेज पे डिस्प्ले करते हैं वो हमारा कहाँ से होता है? बॉडी से होता है। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर HTML को क्लोज कर दिया। दिस इज योर HTML स्टार्टिंग टैग, दिस इज योर HTML क्लोजिंग टैग। हेड स्टार्ट टैग, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं। HTML एलिमेंट्स आर इन पेयर्स विद स्टार्टिंग एलिमेंट एंड एंडिंग एलिमेंट, और उसके बीच में हमेशा आपको देयर वुड बी सम कंटेंट, ठीक है। यही चीज इसमें बताई हुई है। H1 जो हमारा टैग होता है इट डिफाइंस अ हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग, लार्ज स्मॉल जो भी साइज की हैं, अलग अलग H1 टू H6 हमारी हेडिंग्स होते हैं। P एलिमेंट डिफाइन करता है पैराग्राफ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यही मैंने आपको बताया था। दिस इज द टैग नेम, स्टार्टिंग टैग नेम, दिस इज द एंडिंग टैग नेम, बीच में आपका कंटेंट आ जाएगा। तो HTML एलिमेंट क्या होता है? इट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। फॉर एग्जाम्पल H1 स्टार्ट टैग, H1 एंड टैग, बीच में आपकी हेडिंग आ गई। दिस इज द कंटेंट, ऐसे ही दिस इज पैराग्राफ टैग, दिस इज एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ टैग, दिस इज एंड ऑफ पैराग्राफ टैग, एंड दिस इज योर कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टार्ट टैग H1, एंड टैग H1 के स्लैश H1, और एलिमेंट का कंटेंट क्या हो गया? माई फर्स्ट हेडिंग। ऐसे ही आपका ये द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ टैग, एंड ऑफ पैराग्राफ टैग, एंड दिस इज द कंटेंट। एंड थर्ड इज योर ब्रेक। ब्रेक हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। अगली लाइन में अगर हमें जाना हो, एक लाइन ब्रेक करके हमें, जैसे मान लो ये लाइन यहाँ ब्रेक होगी, यहाँ से हमारी दूसरी लाइन शुरू है, तो हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे, इट विल टेक यू द नेक्स्ट लाइन। तो ब्रेक टैग हमारा एक ऐसा होता है जिसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी टैग बिकॉज देर इज नो कंटेंट एंड नो एंड टैग ऑफ दिस एलिमेंट। ब्रेक में ना तो एलिमेंट कंटेंट है ना एंड टैग है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का जो है बेसिकली एक हमारा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ये इनबिल्ट टूल होता है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ वेब ब्राउजर्स जो हम ब्राउजिंग के लिए, सर्फिंग के लिए यूज करते हैं वेबसाइट्स को। बेसिकली ब्राउजर क्या करता है? इट इज यूज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। HTML में हम वेब ब्राउजर को रीड करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट्स को और उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी। ब्राउजर में हमें HTML टैग्स नहीं दिखते, बट हम टैग्स को यूज करके उस पे अपना डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये हेडिंग डिस्प्ले की, ये माय फर्स्ट हेडिंग आ गई एंड दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये हम एक ब्राउजर पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी हम HTML में फाइल बनाएंगे दैट फाइल वुड बी रन इनटू सम वेब ब्राउजर, चाहे किसी में भी आप रन कर सकते हैं, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, जो भी आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज योर HTML पेज स्ट्रक्चर। HTML का पेज स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द बेसिक पेज स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML। हम वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं। सबसे पहले आता है हमारा रूट टैग, रूट के बाद हेड टैग, हेड टैग में हम टाइटल देते हैं, एनी और बॉडी टैग, दिस इज द मेन थिंग। बॉडी टैग में हमारा कंटेंट आता है, इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स या टैग्स को यूज करते हैं। H1 जो टैग है हमारा, दिस इज फॉर हेडिंग, एंड P टैग इज फॉर पैराग्राफ। फिर हम हर एक स्टार्ट टैग का एक एंड टैग होता है। हेड को हमने हेड के एंड टैग से क्लोज कर दिया, बॉडी को हमने बॉडी के एंड टैग से क्लोज कर दिया, और HTML को हमने HTML के एंड टैग से क्लोज दिया। तो हम देख सकते हैं बॉडी सेक्शन में ही जो है हमारी चीज, दिस वाइट वन
यही हमारी ब्राउजर पे शो होगी. तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML पेज. नेक्स्ट वी कम टू HTML हिस्ट्री. वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा काफी वर्जन्स में चल रहा है. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1989 बाय टिम बर्नर्ली, जिसने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था. 91 में ही उन्होंने HTML को इन्वेंट किया. 93 में देव रेगेट ड्राफ्टेड HTML प्लस. 95 में जो HTML का वर्किंग ग्रुप था उसने 2.0 निकाला. 97 में W3C ने रिकमेंडेशन करके HTML 3.2 देन 4.01, और आज जो हमारा वर्जन चल रहा है 2017 से टिल डेट, दैट इज HTML 5.2. तो हम जो हमारे सिलेबस में है दैट इज अबाउट HTML 5, हम उसके सारे फीचर्स को इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी कम टू HTML एडिटर्स. टेक्स्ट एडिटर्स में भी हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं. सबसे जो बेस्ट वे है, अगर हमने कुछ HTML में हम सीखना चाहते हैं, दैट इज वी शुड लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट. नोटपैड हम यूज कर सकते हैं विंडोज में, टेक्स्ट एडिट हमारा यूज होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में. ठीक है, तो नोटपैड हमें इजीली विंडोज में अवेलेबल है, एक्सेसरीज में होता है ये. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आप एक वेब पेज या HTML की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं नोटपैड में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे पीसी में. नोटपैड अगर आपकी विंडोज 8 या 10 है तो स्टार्ट स्क्रीन में जाके आप जो सर्च वाला बटन है उसमें यू कैन सर्च नोटपैड. विंडोज 7 या उससे पहले वाली जो है उसमें हम स्टार्ट में जाके, प्रोग्राम में जाके, एक्सेसरीज में जाके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं. एक बार आपका नोटपैड ओपन हो गया, ऐसे ही हम मैक ओपन कर सकते हैं फाइंडर में जाके, एप्लीकेशन में जाके. वंस योर नोटपैड इज ओपन, फिर हम उस नोटपैड में कुछ HTML का कोड लिख देते हैं. मान लीजिए हमने ये एक HTML का कोड लिख दिया. सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट टाइप बता दी HTML, इट मींस इट इज ऑफ HTML 5 वर्जन. फिर हमने एक छोटा सा कोड लिख दिया HTML, उसमें एक हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया. इसको क्रिएट करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेंगे बाय गोइंग इनटू फाइल एंड सेव. सेव करने के बाद हमने इसको एक नाम दे दिया और इसको एक एक्सटेंशन दे दी .htm या .html, और इसकी एनकोडिंग हमने सेलेक्ट कर ली UTF-8, जो कि हम प्रेफर करते हैं. दिस एनकोडिंग इज प्रेफर्ड फॉर HTML 5. फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं. उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा HTML पेज इस तरह से ब्राउजर में ओपन हो जाएगा. दिस आर द 4 स्टेप्स कि कैसे हम HTML या एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. मार्केट में देयर आर अदर टाइप ऑफ एडिटर्स ऑल्सो अवेलेबल, बट आई वुड प्रेफर कि आप नोटपैड में ही HTML को सीखो. इस वेबसाइट पे भी आपको ऑनलाइन एडिटर मिलेगा. जिन बच्चों के पास घर पे लैपटॉप या पीसीज नहीं है, दे कैन गो थ्रू योर मोबाइल्स थ्रू दिस वेबसाइट, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर इस पर कुछ सीखना है, यू कैन गो टू ट्राई इट योर सेल्फ. It will open this editor, इसमें आप कुछ भी changing कर सकते हैं. मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा change करना चाहता हूँ, this is heading की जगह मैं लिख सकता हूँ this is header tag, tag and this is paragraph. ठीक है, अब मैंने इसको चेंज करके रन करना चाहता हूँ. This code has changed. तो आप इस पे आराम से बेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस. ठीक है, दिस इज अवेलेबल एडिटर. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ HTML. तो ये हम पहले वैसे कर चुके हैं, एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल हमने अभी प्रैक्टिस किया था. अगर आपको क्वेश्चन आता है
गिव सम एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, तो आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। अब इसमें आपको मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ कि डॉक टाइप बताती है कि क्या डॉक्यूमेंट की टाइप है, इससे ब्राउजर्स को हेल्प मिलती है और वो पेजेस को ठीक तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमेशा एक बार ही आएगा टॉप पे किसी भी एचटीएमएल टैग से पहले। ये केस सेंसिटिव नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर एचटीएमएल 5 इज डॉक टाइप, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन में बताती है कि हम एचटीएमएल 5 में एचटीएमएल 5 के ही प्रोग्राम या पेज को डिजाइन करना चाह रहे हैं यूजिंग एचटीएमएल 5। देन एचटीएमएल हेडिंग्स, एचटीएमएल हेडिंग्स मैंने बताई थी, दे आर यूज फॉर डिफाइनिंग सम हेडिंग ऑफ अ पेज, दे आर फ्रॉम H1 टू H6 टैग्स, और ये अलग अलग साइज के होते हैं। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स, ये अलग अलग तरह की जो हमारी हेडिंग अवेलेबल है HTML में, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे इट विल बी लाइक दिस। आप देख सकते हैं हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 में टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया, देन स्मॉल स्मॉल स्मॉल, हेडिंग 6 का साइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट वी कम टू HTML पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स जो हैं आपके, अगर हम कुछ ब्लॉक में कुछ लिखना चाहते हैं, पैरा लिखना चाहते हैं, तो हम ये पी टैग यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। दैट इज योर HTML लिंक्स। HTML लिंक्स भी हम यूज कर सकते हैं फॉर लिंकिंग अ वेब पेज टू अनदर वेबसाइट और सम अनदर वेब पेज, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए या एक पेज को किसी और वेबसाइट से लिंक करने के लिए हम ये टैग यूज करते हैं, ए टैग, इसको बोलते हैं एंकर टैग। और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये वैल्यूज हैं इसकी जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इज योर HTML इमेजेस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम टैग जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इमेजेस को डिफाइन करने के लिए हमारा टैग है इमेज टैग, और इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं सोर्स, ऑल्ट, विड्थ, हाइट, ठीक है, एंड इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। हाउ टू व्यू HTML सोर्स, HTML सोर्स कोड देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक इन एन HTML पेज एंड सेलेक्ट व्यू पेज सोर्स। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया, दिस विल गिव मी अ HTML कोड ऑफ दिस पेज। अब आप देख सकते हैं इस पेज का HTML कोड हमारा खुल गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट का HTML कोड देख सकते हैं किसी भी ब्राउजर में। आपने क्या करना है, उस पेज पे राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट जो है, अभी बताया था आपको मैंने, इट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग देन सम कंटेंट एंड एंड टैग। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है, और ये हमने ये भी डिस्कस कर लिए हैं। तीन तरह के बेसिक टैग्स हैं जो H1, पैराग्राफ एंड ब्रेक। नेक्स्ट वी कम टू नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट को कंटेन कर सकते हैं। इट मींस वन एलिमेंट कैन कंटेन अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। These are the example of four HTML elements which are embedded. First is HTML. HTML के अंदर हमने क्या, कौन सा element embed कर दिया, body. Body के अंदर हमने क्या embed कर दिया, H1, heading 1 और paragraph. ठीक है, तो आप these are the known as nested HTML elements. मतलब एक element के अंदर दूसरा element. ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमने एक्सप्लेन किया हुआ। HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट जो पूरा HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहा है। इसके अंदर आपका स्टार्ट टैग HTML हो गया, एंड टैग आपका HTML हो गया, स्लैश HTML हो गया। HTML टैग के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट है, बॉडी। बॉडी के अंदर हमारा क्या है, H1। H1 के अंदर क्या है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, HTML में जो गलती होती है हमारी, वो क्यों होती है, जब हम
एक टैग को क्लोज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अब इस एग्जाम्पल में देखिए, ये हमने पैराग्राफ टैग लिया है बट इसको हमने क्लोज नहीं किया, ये हमने पैराग्राफ टैग लिया है इसको हमने क्लोज नहीं किया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए, ये हमने पैराग्राफ टैग लिया है और ये हमने क्लोज नहीं किया। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट स्लैश पी, इसको क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इसमें ये गलती है बेटा, पी, देन वी रन दिस। ठीक है, तो ये फिर हमारा रन होगा, ये इसमें मिस्टेक है। ठीक है, However, never rely on this. Unexpected results and errors may occur if you forget the end tag. अगर आप end tag भूल जाओगे तो काफी आपके error आ सकते हैं। तो best क्या है कि आप starting tag है तो end tag जरूर लगाएं। Then is empty HTML elements. Empty HTML elements भी मैंने बताया था, HTML elements जिसमें कोई content नहीं होता, कोई end tag नहीं होता या closing tag नहीं होता, उसको हम कहते हैं एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स। उसका एग्जांपल है ब्रेक, एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रूल, हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के हमारे ये एग्जांपल है। ब्रेक क्या करता है, लाइन ब्रेक बताता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ ब्रेक कर दिया हमने इसको, इसका मतलब ये एक लाइन होगी, ये जो नेक्स्ट कंटेंट आएगा पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रेक को आप कहीं और भी ले जा सकते हो। मान लो इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे ले जाता हूँ, अब कहाँ पे आ जाएगा, इसको रन करेंगे, दिस इज, उसके बाद ब्रेक आ गया और पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम HTML जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ब्रेक जो एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एचटीएमएल इज नॉट केस सेंसिटिव। एचटीएमएल हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कैपिटल पी इज सेम एज स्मॉल पी। इसका मतलब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग को आप कैपिटल पी में भी लिख सकते हो, स्मॉल पी में भी लिख सकते हो, बट डब्ल्यू थ्री सी जो हमारी है मेन, डब्ल्यू 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 वाली जिन्होंने जो रिकमेंड करती है एचटीएमएल को, वो कहती है कि आप हमेशा लोअर केस में ही टैग्स का इस्तेमाल करें। अब HTML के कुछ टैग्स हैं जो हम बेसिक टैग यूज करते हैं, HTML, बॉडी, H1 टू H6। नेक्स्ट वी कम टू HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था, HTML एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, HTML एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। HTML attributes, सभी HTML elements में कुछ ना कुछ attributes होते हैं। Basically ये आप कह सकते हैं उसकी properties होती हैं। हर एक element का एक attribute होता है, एक उसकी value होती है। ठीक है, attributes provide additional information about elements। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक boy हो तो आपका attribute क्या हो गया, boy, और आपकी वैल्यू क्या होगी, आपका नाम। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी होगी, एक उसकी वैल्यू होगी। एट्रीब्यूट जो है हम ऑलवेज स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट टैग में। एट्रीब्यूट्स यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, जो मैं आपको बता रहा था, हमेशा ये एट्रीब्यूट का नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी। इस तरह से हम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एट्रीब्यूट के। फर्स्ट इज योर हाइपर रेफरेंस या एच रेफरेंस एट्रीब्यूट। अब हमारा एंकर टैग होता है, ए टैग को हम बोलते हैं एंकर टैग, ये एक हाइपर लिंक डिफाइन करता है। हाइपर लिंक मतलब एक पेज को दूसरे पेज से या एक पेज को किसी और वेबसाइट से जोड़ता है। तो ए एच रेफरेंस, यहाँ पे हमने वेबसाइट दे दिया विजिट डब्ल्यू थ्री स्कूल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने एच रेफरेंस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप मान लो हम इसको गूगल से लिंक करना चाहते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, www.google.com
com, और यहाँ पे हम लिख देते हैं विजिट गूगल। ठीक है बेटा, जब हम इसको रन करेंगे इट वुड चेंज टू दिस, जब हम इस पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द google.com। अब ये गूगल एक्चुअली सिक्योर्ड है इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया आपको। चलो हम इन्हीं की वेबसाइट को खोल लेते हैं, इन्हीं की वेबसाइट को खोल लेते हैं। गूगल ने इसको रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। मान लीजिए हम इसी पे क्लिक कर देते हैं तो इसने हमारी W3 Schools वाली वेबसाइट को ही ओपन कर दिया। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट जो हमारा यूज होता है दैट इज यूज टू एड एन इमेज टू एन HTML पेज। HTML पेज पे अगर हम एक इमेज लगाना चाहते हैं उसके लिए हम सोर्स एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट हमारे की सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, इट इज द पाथ ऑफ द इमेज। इमेज का पाथ है कि जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज सोर्स हमने क्या ले लिया, इमेज girl.jpg विथ भी एक इसका एट्रीब्यूट है, हाइट भी इसका एक एट्रीब्यूट है। तो हम इन एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको साइज थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ 200 और इसको मैंने कर दिया 400। जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज जो है चेंज हो गई है। नेक्स्ट वी कम टू द, अब जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है वो भी हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट URL के साथ एक रिलेटिव URL के साथ। एब्सोल्यूट URL का मतलब क्या होता है, वो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज अ एड्रेस। वेब टर्म्स में ये हमारा वेब एड्रेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है एब्सोल्यूट URL, आपके पेज को लिंक करता है एक्सटर्नल इमेज के साथ जो किसी और वेबसाइट पे पड़ी है। मान लीजिए ये W3 Schools में इमेजेस में इमेज girl.jpg वाली इमेज है, इसको हमने लिंक करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस वेबसाइट के इमेज का पाथ हमने सोर्स में दे दिया। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी और वेबसाइट की अगर हम इमेज यूज करेंगे तो हम कॉपीराइट के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे कई बार कॉपीराइट में ये होता है कि हम किसी और का किसी और की इमेज या किसी और के कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रिलेटिव URL। रिलेटिव URL इज द URL जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं। यहाँ पे कोई डोमेन नेम नहीं होता, कोई वेबसाइट का नाम नहीं होता और ये बिना स्लैश के स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने हमारे पाथ दे दिया इमेजेस इमेज गर्ल। मान लीजिए सी ड्राइव में आपकी इमेज पड़ी है या डी ड्राइव में पड़ी है तो आप क्या लिखेंगे, D drive/images/image girl। तो सबसे बेस्ट वे तो यही है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर से या लोकल हार्ड डिस्क से अपनी इमेज के पाथ को सेट करें और रिलेटिव URL को यूज करें। देन इज विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, ये हमने अभी देखे थे। इमेज सोर्स एक एट्रीब्यूट हो गया, दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा विड्थ और हाइट। विड्थ आप विड्थ बढ़ा सकते हो इमेज की और हाइट चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑल्ट एट्रीब्यूट, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। इफ द ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्लेड, दिस कैन बी ड्यू टू स्लो कनेक्शन और सम, तो यूजर को पता लग जाएगा कि क्या चीज हम उसमें हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं दिस इज योर ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि इमेज आपको क्या दिखा रही है। तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या हो गया, अगर हम इसमें इमेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमारा हो गया गर्ल विद अ जैकेट फॉर एग्जांपल। अब हमारी देखो इमेज लोड नहीं हुई तो उसने उस हमें ये पता लग गया कि ये जो इमेज थी ड्यू टू सम रीजन अगर ये लोड नहीं हो सकी तो इट इज गर्ल विद अ जैकेट। दिस इज द ऑल्टरनेट टेक्स्ट अगर आपकी इमेज ओपन नहीं होती।
नेक्स्ट इज स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइल्स में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे स्टाइल एट्रीब्यूट आपका स्टाइल चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए, उसका साइज चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। का एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हेडिंग दे दी स्टाइल एट्रीब्यूट, एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद हमने पैराग्राफ का स्टाइल क्या कर दिया, रेड। इसका मतलब जो भी टेक्स्ट हम इसके बाहर लिखेंगे कंटेंट, दैट इज रेड इन कलर। आप देख सकते हैं दिस इज रेड इन कलर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो इट विल बी ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू लैंग्वेज एट्रीब्यूट, या लैंग एट्रीब्यूट भी हम इसको कह देते हैं। ये लैंग्वेज बताता है, इट इज यूज टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ अ वेब पेज। तो ये सर्च इंजन और ब्राउजर्स को बताता है कि हमारा जो कोडिंग होगी वो कौन से वेब पेज पे होगी। फॉलोइंग एग्जाम्पल स्पेसिफाइज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ठीक है। हम देख सकते हैं ये HTML का हमने प्रॉपर्टी दे दी, लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश। तो ये हमें बताएगा कि ये HTML जो हम है, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें बताएगा कि वेब पेज की लैंग्वेज जो होगी दैट इज इंग्लिश, ठीक है। अगर US का करना चाहते हैं तो इंग्लिश ENUS लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जिस भी लैंग्वेज का स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमारा पेज का जो कंटेंट होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, वो हम यहाँ पे वो लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट में आप टाइटल जो एट्रीब्यूट है वो टूल टिप के लिए यूज होता है। टूल टिप मतलब जो हम, जब मान लो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर अगर हम माउस को घुमाएं या होवर करें तो वो हेल्प बता देता है उसके बारे में कि ये क्या चीज बताना चाह रहा है पैराग्राफ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मैं अब जब माउस इसके ऊपर से जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, आई एम अ टूल टिप। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, इसको होवर करूंगा, घुमाऊंगा, ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका आई एम अ टूल टिप आ जाएगा। तो टाइटल एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं पैराग्राफ में, दैट इज फॉर योर टूल टिप। बाकी हमेशा हम सजेस्ट करते हैं, हमेशा W3C भी सजेस्ट करता है कि हम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लोअर केस में यूज करें और डबल कोट्स में यूज करें, ठीक है। डबल कोट्स मीन डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हम उसके आगे लगाएं और उसको स्मॉल में ही लिखें, ठीक है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट एट्रीब्यूट, हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, बट दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, ठीक है। हम डबल कोट की जगह सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डबल कोट ही यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा HTML एलिमेंट्स के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट में देयर आर टू थिंग्स, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू, ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए। hreference एट्रीब्यूट जो एंकर टैग के अंदर होता है वो क्या करता है, URL या एक एड्रेस है जो उस पेज के एड्रेस को, वेब पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करता है। वो किसी डोमेन का एड्रेस भी हो सकता है, वेबसाइट का एड्रेस भी हो सकता है, या वो आपका कोई और वेब पेज भी हो सकता है। फिर हमने सोर्स एट्रीब्यूट किया इमेज का, वो हमारे को क्या बताता है, पाथ बताता है, इमेज जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर उसका पाथ बताता है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट इमेज के साइज के बारे में बताते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है इमेज के लिए, अगर मान लो आपकी इमेज लोड नहीं होती तो ये बता देगा कि ये किस चीज की इमेज है। स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल ऐड करने के लिए यूज करते हैं हम एलिमेंट में, सच एज कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। लैंग एट्रीब्यूट जो है हमारा HTML का, लैंग एट्रीब्यूट जो हमारा HTML टैग का है, ये डिक्लेयर करता है लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। अगर हम इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश, इंग्लिश US लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। और जो टाइटल एट्रीब्यूट हमने लास्ट में किया था, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है एलिमेंट की, मान लीजिए हम इसको पैराग्राफ में यूज करते हैं तो वो टूल टिप की तरह यूज होता है, हेल्प की तरह
यूज होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एचटीएमएल हेडिंग्स। एचटीएमएल हेडिंग्स हम वैसे कर चुके हैं। एचटीएमएल हेडिंग्स क्या होती हैं? टाइटल्स या सब टाइटल होते हैं जो हम एक वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस एग्जाम्पल। दिस इज हाउ वी कैन डिस्प्ले द हेडिंग्स। ठीक है, और हेडिंग के लिए जो हमारा टैग यूज होता है, दे आर डिफाइंड फ्रॉम H1 टू H6, H1 स्टार्टिंग H1 एंड, H2 स्टार्टिंग H2 एंड, सिमिलरली H6 स्टार्टिंग H6 एंड। ठीक है, बीच में इसका कंटेंट क्या होता है, द नेम ऑफ द, जो भी हेडिंग आप देना चाहते हो दैट इज द कंटेंट। हेडिंग आर इम्पॉर्टेंट। हेडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? सर्च इंजन जो है हमेशा हेडिंग को यूज करते हैं किसी भी वेब पेज के कंटेंट को सर्च करने के लिए, एक इंडेक्स की तरह वो यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो हेडिंग इसलिए हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। H1 हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग्स, देन मेन हेडिंग अगर आपकी स्टार्टिंग हेडिंग है वो H1 यूज कर सकते हो, फिर आपकी H2 हो सकती है, थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है H3, लाइक दिस। यूजिंग HTML हेडिंग फॉर हेडिंग्स ओनली, बाकी हम हेडिंग को बिग या बोल्ड के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमें हेडिंग्स को और बड़ा करना है तो हम उसके स्टाइल जो हमने एट्रीब्यूट किया था, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब हमने 60 पिक्सल, px का मतलब होता है 60 पिक्सल, हमने इसको 60 पिक्सल कर दिया है तो हेडिंग का। इसको आप और बड़ा करना चाहें और बड़ा भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 80 पिक्सल करना चाहता हूं और इसको मैं रन करता हूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज दिस एक्सरसाइज, वो आप इसमें देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग टैग में जो मेन हमारा यूज होते हैं, दे आर H1 टू H6। नेक्स्ट वी कम टू द HTML पैराग्राफ्स। HTML पैराग्राफ्स में हमने पढ़ लिया, वैसे पैराग्राफ क्या होता है, इट इज ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट इज यूजली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम एक पैराग्राफ कह देते हैं, और HTML में हम P एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। इसके एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। अब हमें इसमें एक प्रॉब्लम आती है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में अगर हम स्पेसेस देना चाहें, मान लीजिए इस पैराग्राफ में मैंने स्पेस दिया है, ऊपर वाले में स्पेस नहीं है, बट जो ब्राउजर है वो इस स्पेस को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, वो इस फॉर्मेट को नहीं रखता, इस तरह जो हम लिखना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं, उसको नहीं लिखेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे हमने बिल्कुल कोई स्पेस नहीं दी, यहाँ पे हमने स्पेस दे दी, बट जब हम इसको रन करेंगे तो इसने दोनों पैराग्राफ्स को सिमिलर टाइप से लिखा है। तो इसने क्या किया, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी और लाइन ब्रेक्स थे उसको रिमूव कर दिया और उसको एक ही लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो ब्राउजर अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, उस पेज के साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट करता है। तो HTML जो डिस्प्ले करता है, हमें नहीं पता वो कैसे डिस्प्ले करेगा, तो अलग अलग छोटी स्क्रीन पे आपका रिजल्ट कुछ और आएगा, बड़ी स्क्रीन पे आपका कुछ और तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, HTML हॉरिजॉन्टल रूल, ये मैं पहले भी डिस्कस किया था। एम्प्टी टैग में हॉरिजॉन्टल रूल जो होता है, इसको HR टैग भी कहते हैं, ये हम यूज करते हैं कि हम मान लो ये हमारी एक लाइन लगाना चाहते हैं, ये मान लो ऊपर का हमारा ऐड है, ऐड के बाद हम ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगाना चाहते हैं, एक लाइन लगाना चाहते हैं कि ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है इस वेब पेज का, तो हम यूज करते हैं HR टैग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, हमने H1 हेडिंग ले ली, हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ ले लिया, फिर हमने HR लगा दिया। ये देखिए, ये हेडिंग 1 का कंटेंट हो गया, ये हेडिंग 2 का हो गया, ये हेडिंग 3 का हो गया, 2 का हो गया ये। ठीक है, दोनों 2 लिए हमने, तो ये एक पोर्शन को पेज के दूसरे पोर्शन से डिफरेंट करने के लिए, हमने सेपरेट करने के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल रूल टैग का इस्तेमाल। HTML लाइन ब्रेक्स हम कर चुके हैं। न्यू लाइन ब्रेक डिफाइन करने के लिए हम ब्रेक टैग यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक बार और दिखा देता हूँ। दिस इज ब्रेक कर दिया तो ये आ गया, इसके बाद पैराग्राफ के बाद ब्रेक कर दिया, ये भी अगली लाइन में, फिर विद लाइन ब्रेक्स, तो 3-2 जगह हमने इसको ब्रेक किया, वहां से ये नई लाइन पे चला गया। नेक्स्ट इज पॉइंट प्रॉब्लम।
पोइम प्रॉब्लम का मतलब है, मान लो हम ये पोइम है, इसको एज अ पैरा हमने डिस्प्ले किया है, बट जब हम इसको, इस पोइम में आप देख सकते हैं स्पेसेस भी हैं और लाइन ब्रेक्स भी हैं, तो अगर हम इसको रन करेंगे देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी हमें। अब हम तो इसको चाहते थे कि इस तरह से डिस्प्ले हो पोइम की तरह, बट उसने एक पैराग्राफ इसको बना दिया विदाउट एनी स्पेसेस एंड न्यू लाइन, सबको इग्नोर कर दिया। सोल्यूशन क्या हो गया इसका? इसका सोल्यूशन है HTML में हम यूज कर सकते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक एलिमेंट होता है जो डिस्प्ले करता है फिक्स्ड विद फॉन्ट, जिसको कोरियर फॉन्ट, कोरियर एक हमारा फॉन्ट होता है, और ये दोनों प्रिजर्व रखता है, स्पेस को भी प्रिजर्व रखता है और लाइन ब्रेक को भी प्रिजर्व रखता है। तो अगर हमने इसको हम प्री टैग के अंदर यूज करेंगे बजाय कि पैराग्राफ टैग के, तो इट विल शो यू द सेम आउटपुट। ये देखिए आपका, तो इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। ये इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये आप लोगों ने करनी है। तो इसमें हमने जो पैराग्राफ में टैग्स पढ़े, दे आर पी टैग, देन HR टैग, BR टैग एंड प्री फॉर्मेटेड टैग। ही इज पैराग्राफ, HR इज हॉरिजॉन्टल रूल, BR इज ब्रेक एंड प्री इज प्री फॉर्मेट। ये दो जो हमारे HR और BR हैं, दे आर एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब क्या है? विदाउट एनी कंटेंट एंड विदाउट एनी एंड टैग। ठीक है, तो आज हम इतना ही कवर करते हैं इस चैप्टर में, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।